एक दो तीन चार पाँच छः। सो हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मेरा हेडफोन्स का कलेक्शन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और मैंने इस हेडफोन्स को क्यों परचेस किया, कब परचेस किया और मुझे इन हेडफोन्स के बारे में कौन कौन सा चीज़ अच्छा लगा, कौन कौन सा चीज़ नहीं अच्छा लगा, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इन हेडफोन्स में से कोई भी हेडफोन्स को परचेस करना है, अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक पे छोड़ दूंगा, वहां से जाके आप इन हेडफोन्स को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, इन हेडफोन्स में जो सबसे पहला हेडफोन है वो है यहाँ पे सनहाइजर का CX180EX, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके का आप लोगों को इसका हेडफोन्स मिल जाता है। हो सकता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हेडफोन्स में से भी एक है, हो सकता है कि आप भी इसे अभी यूज़ कर रहे हो। और सनहाइजर की मैं खास बात क्या करूँ, सनहाइजर की हर एक प्रोडक्ट में आप लोगों को 2 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है। 2 साल की वारंटी मैं खुद जानता हूँ कि कितना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो मेरा हेडफोन है 2 बार ख़राब हो गया था। और इसे कुछ दिन पहले की ही बात है, मैंने एक और बार इसका रिप्लेसमेंट लेके कंपनी की तरफ से एक ब्रांड न्यू मुझे मिला। और अगर आप लोगों को भी जानना है कि सनहाइजर की हेडफोन्स का या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स का रिप्लेसमेंट किस तरह से लेना है, तो आप लीजिए मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जल्द ही उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो लाऊंगा। और बात करें अगर इस हेडफोन्स की, इसकी क्या कुछ चीज़ें खास है, क्या कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, तो खास चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है वही 2 साल का वारंटी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, इसमें आप लोगों को सब कुछ जो है बैलेंस्ड देखने को मिल जाता है, यानी कि बेस, ट्रेबल, मिड, हाई, सब कुछ आप लोगों को इसमें जो है बैलेंस्ड देखने को मिल जाता है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे ख्याल से। तीसरा चीज़ जो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, अगर आप लोग इस हेडफोन्स को बहुत ही लंबे समय तक अपने कानों में लगा के यूज़ करते हैं, तो कानों में किसी भी तरीके का कोई भी दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। ऊपर से ये जो मेरा पहला हेडफोन है, पहला हेडफोन कहने का मतलब ये मैंने पहली बार किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से परचेस किया था अमेज़न से। उस टाइम पे लगभग ये 2014 की बात है, अक्टूबर या फिर नवंबर का। और ये जो हेडफोन है मुझे काफ़ी कम प्राइस में भी मिला था उस टाइम पे, लगभग 800 रुपये में। अभी इतना ही इसका प्राइस है। अगर आप लोग इसे परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक है, वहाँ से जाके आप इस हेडफोन्स को परचेस कर सकते हैं। क्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, तो सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम है और वो है इसमें आप लोगों को माइक देखने को नहीं मिलता। यानी कि ये जो हेडफोन है सिर्फ गाना सुनने के लिए है, बात करने के लिए, या फिर अगर आप लोगों को मान लीजिए किसी सॉन्ग को पॉज वगैरह करना है, तो फिर आप इससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पॉज कोई भी बटन वगैरह नहीं है, ना ही इसमें माइक दिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो है गाना सुनने के लिए है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट हेडफोन की बात करूँ तो वो है ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सोनी का XB30EX। और ये एक एक्स्ट्रा बेस हेडफोन है। इसमें मुझे बहुत कुछ चीज़ें खास लगा, खास करके अगर आप लोग एक बैस लवर है तो आप लोगों को ज़रूर से इस हेडफोन को परचेस करना चाहिए। और अभी तो ये जो हेडफोन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, क्योंकि इसका एक न्यूअर वाला वर्जन जो है आ चुका है, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस इसका एक न्यूअर वर्जन है, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। प्रॉज की अगर मैं बात करूँ तो वही है, इसमें भी आप लोग को जो बेस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यानी कि बेस लवर अगर आप लोग हैं, अगर आप लोगों को बेस पसंद है, तो अगर बेबी को बेस पसंद है तो आप लोग इस हेडफोन को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स मुझे 2-3 चीज़ें पसंद नहीं आई। सबसे जो पहला चीज़ है, जो इसका ये क्लिप है, एक क्लिप दिया हुआ है, ये जो क्लिप है आपका बार बार निकल जाता है, जो कि मुझे लगता है ये कॉन्स है सबसे बड़ा। उसके अलावा अगर मैं दूसरी कॉन्स की बात करूं तो इसमें भी आप लोगों को माइक देखने को नहीं मिलता है, ना ही माइक, ना ही कोई एक्स्ट्रा बटन्स वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ गाना सुनने के लिए ही है। तीसरा चीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो कि सनहाइजर से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो इसमें आप लोगों को 1 साल का वारंटी देखने को मिल जाता है, जो कि सोनी का मोस्ट प्रोबेबली सभी हेडफोन्स में आप लोगों को 1 साल का ही वारंटी देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर मैं एक और कॉन्स की बात करूँ, तो अगर आप लोग इस हेडफोन्स को ज़्यादा समय के लिए मैं यूज़ करता हूँ, तो कानों में थोड़ा सा हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है। 3 घंटे या फिर उससे ज़्यादा अगर जब भी मैं कानों में लगा रहता हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है दर्द महसूस होता है इस हेडफोन के साथ। उसके बाद गाइज, अगर मैं नेक्स्ट हेडफोन की बात करूँ तो वो है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये भी सनहाइजर की तरफ से ही आता है, सनहाइजर MX170। और ये जो हेडफोन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ईयरबड की तरह नहीं है, यानी कि कानों के अंदर नहीं चला जाता है, ये बाहर ही रहता है,
जिस तरह से आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी सनहाइजर की तरफ से ही है। और मेरा एक्चुअली क्या था कि मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ लैपटॉप से और सोते टाइम देखता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मेरे पास एक पहले सैमसंग का एक हेडफोन था और वो जब ख़राब हो गया तो मुझे उसी टाइप का हेडफोन लेना पसंद था, उसी टाइप का, क्योंकि ये जो ईयरबड वगैरह है, अगर आप लोग इन हेडफोन्स को यूज़ करते हैं घर पे, तो कोई भी चीज़ें अगर आपको किसी ने बुलाए भी तो आप नहीं सुन पाएंगे, तो इसलिए मैं इस हेडफोन को परचेस किया। और इसका भी मुझे बहुत कुछ चीज़ें अच्छा लगा, अगर आप लोग सैमसंग का जो फ़ोन्स के साथ आता है वाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का, उससे अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो उससे बहुत ही अच्छा आप लोगों को साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाता है। बैस भी इसका बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स इसमें भी मुझे दो तीन चीज़ें लगी, तो सबसे पहला वही है, इसमें भी आप लोगों को माइक देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस हेडफोन में भी आप लोगों को माइक देखने को नहीं मिलता है। ऊपर से आप लोगों को जो इसके साथ एक कवर मिलता है, यानी कि स्पंज टाइप का जो यहाँ पे लगता है, वो सिर्फ आप लोगों को एक ही पैर मिलता है, मेरा जो फट गया। तो अभी जो है इसका एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं अभी से लगाता हूँ तो ये बहुत ही लूज में होता है, यानी कि गिर जाता है। तो बस यही दो इसका कॉन्स है। उसके अलावा इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि इसका भी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और एक और चीज़, अगर आप लोग ट्रैवल के टाइम इस हेडफोन को यूज़ कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये ट्रैवल के टाइम यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप लोग घर पे कोई गाना वगैरह सुनते हो तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट होगा। उसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट हेडफोन की बात करूँ तो वो है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये जो है मेरा पहला ऑफलाइन शॉपिंग कोई हेडफोन है, और जो कि है सोनी की तरफ से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसे मैंने लगभग 2013 में परचेस किया था और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 320-330 रुपये इसका प्राइस जो है पड़ा था। इसका अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूँ तो MDR110, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर। तो ये है इसका मॉडल नंबर, और इसमें भी मुझे दो तीन चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो सबसे जो पहला चीज़, इसका नॉइज़ कैंसलिंग उतना अच्छा नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी के डेट में जो बड़ा बड़ा सा आता है इस तरफ, तो वो जो है आपके कानों को पूरा सा ढक लेता है, आपको बाहर की आवाज़ वगैरह भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन उससे मामले में ये जो है यहाँ पे आप लोग, आपका जो सिर्फ बाहर की तरफ ही रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें जो है आपकी चारों तरफ का जो भी आवाज़ वगैरह है वो आपको सुनाई देगा। दूसरी कॉन्स यही है कि इसमें भी आप लोगों को कोई भी माइक इनपुट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी माइक वगैरह नहीं है, वायर वगैरह सब कुछ चीज़ें अच्छा है। उसके अलावा जो इसका साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उसके अलावा गाइज, अगर मैं नेक्स्ट हेडफोन की बात करूँ तो वो है ये, MI की तरफ से आता है MI ईयर बेसिक, और मुझे एक ऐसा हेडफोन चाहिए था जो कम प्राइस में हो, जो मैं रफ यूज़ वगैरह कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इस हेडफोन को परचेस किया। और मैंने जितना भी हेडफोन्स आप लोगों को दिखाया वहाँ पे एक ही हेडफोन में माइक वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मेरा यही रीज़न था कि मैं इस हेडफोन को परचेस करूँ। लेकिन परचेस करने के बाद मैं एक्चुअली में फंस क्यों गया, क्योंकि इसमें आप लोगों को साउंड क्वालिटी, मुझे जहाँ तक लगता है, यानी कि मुझे नहीं लगता है कि जितना भी सारा हेडफोन्स मैंने आप लोगों को दिखा है उससे बहुत ही ख़राब साउंड क्वालिटी है। बेस इसका अच्छा है, बेस आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन बेस जो है इसका फटने लगता है। जी हाँ, इसका जो बेस है वो फटने लगता है। अगर आप लोग कोई अच्छी वाले हेडफोन्स को यूज़ कर चुके हैं पहले, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये जो हेडफोन है बिल्कुल भी पसंद आएगा। अगर आप लोग कोई फर्स्ट टाइम, मतलब मान लीजिए बहुत सारे लोगों को देखा है कि हेडफोन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, 70-80 रुपये का हेडफोन्स वगैरह परचेस कर लेते हैं, तो अगर आप लोग उस हेडफोन्स से अगर आप लोग इसे स्विच करते हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली ये जो हेडफोन है पसंद आएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग कोई दूसरा हेडफोन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं पहले, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये जो हेडफोन है पसंद आएगा। लेकिन हाँ, रफ यूज़ के लिए अगर आप लोग कोई भी हेडफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। इसका कॉन्स बस वही है कि इसका जो साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बेस जो है फटने लगता है। तीसरी कॉन्स की बात करूँ तो इसमें आप लोगों को सिर्फ जो है 6 मंथ्स का वारंटी देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि 6 मंथ्स का वारंटी, बाकी Xiaomi जाने। उसके बाद गाइज, अगर मैं नेक्स्ट हेडफोन की बात करूँ तो वो है ये, जो कि ब्लीड जुल्प की तरफ से आता है, और ये 2019 का मेरा पहला जो है कोई प्रोडक्ट किसी ने भेजा है रिव्यू करने के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसका जो है अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इसका रिव्यू बनाऊँगा मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा। साथ ही साथ मुझे इसकी कुछ चीज़ें पसंद भी नहीं आई है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस हेडफोन कुछ इस तरीके का है, ये जो है मैग्नेटिक पूरा है,
और इसका भी लिंक आप लोगों को अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपके आपसे वही कहूंगा कि कुछ दिन की भी बात है, मैं इसका एक फुल रिव्यू लाऊंगा प्रॉज और कॉन्स के साथ। अगर आप लोग इस हेडफोन को उसका जो फुल रिव्यू है देख के परचेस करेंगे तो आई थिंक आपके लिए बेस्ट होगा, ताकि आप लोग को एटलीस्ट ये पता चलेगा कि हाँ, इसकी कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। और गाइस, जो मेरा नेक्स्ट हेडफोन है वो है ये, जो कि सोनी की तरफ से आता है अगेन। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सोनी का नहीं है, मैंने इसे जो है ईबे से परचेस किया था। ईबे जो कि अभी उसका नाम शायद टू गुड हो चुका है फ्लिपकार्ट से मर्ज होने के बाद, और फ्लिपकार्ट से ईबे जो है पहले से ही मर्ज हुआ था। और ये जो हेडफोन है ओरिजिनल नहीं है, मैंने इसे ईबे से परचेस किया था, और ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। जी हाँ, ये जो एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, नाम वगैरह सब कुछ सेम है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका जो पैकेजिंग है वो भी एक प्लास्टिक के कवर में सिंपल सा आया था, तो तभी मुझे मालूम पड़ गया था कि हो ना हो ये जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। और इसका अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो बस आप लोगों को जिस तरह से 70-80 रुपये का जो हेडफोन्स में जो साउंड क्वालिटी मिलता है, बस उसी तरीके का मिलता है, कुछ खास नहीं है। ऊपर से ये जो क्लिप है, ये मेरा एक्स्ट्रा क्लिप है, और मैं एक हेडफोन पाया था माइक्रोमैक्स का, तो उसी का क्लिप मैंने अभी इससे लगा दिया था। और कुछ दिन पहले की बात है, मैं जब अपना यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहा था तो इसीलिए मैंने इस क्लिप को दिया था, क्योंकि मैं फ़ोन से इसे लगाने के बाद इसे जो है कॉलर में लगा के मैं इसका माइक से जो है शूट करता था वीडियोस वगैरह। तो अगर आप लोग मेरी पुराने वीडियोस का ऑडियो वगैरह देखे हैं तो वो बस इसी हेडफोन्स के ज़रिए जो है वो रिकॉर्ड हो रहा था। सो गाइज, ये था मेरा हेडफोन्स का कलेक्शन। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को इन हेडफोन्स में से कोई भी हेडफोन्स को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस सारे का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इन हेडफोन्स को परचेस कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और आगे भी और इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से जाके कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट न्यूज़ मैं वहीं पर शेयर करता हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।